Vishal, Vishal, we don't see any male actors present in the poster behind. So is this an intended move to promote this movie as a women-centric one? No. See, the reason is basically it's a the way we are जब से हम बोल रहे हैं, it's a more revenge, more women power, and it's a revenge story of a girl. Okay, जिसके लिए वो लड़ रही है, जिसके लिए वो fight कर रही है. So basically it's a revenge story of a girl. So बाकी भी एक ही poster आप देख रहे हैं, बाकी posters आने बाकी है. ट्राई किया था हम लोगों ने भी, अपने अपने बैकशॉट दिए थे, रिएक्शन कुछ खास मिले नहीं. वो सिर्फ बैकशॉट पे काफी गाली लिखी हुई थी हमारे पीछे. हाँ. जो हम बोल नहीं सकते अभी फिलहाल. आपको हम हमेशा फैमिली शोज और फैमिली ऑडियंस के साथ जुड़ते हुए ज्यादा देखते हैं, मगर इस फिल्म के साथ फैमिलीज नहीं जा पाएंगी देखने के लिए. क्या आपको लगा कि यार मैं पहली फिल्म कर रहा हूँ और वो इतनी बोल्ड होगी जिसको फैमिलीज शायद ना देखें, और वो बच्चे जो DID पे आते हैं, जो पेरेंट्स लेकर आते हैं? नहीं, नॉट एग्जैक्टली. टू बी रियली फ्रैंक, अगर समझो मैं वही चीज़ करते रहूँ जो मैं टीवी में करते आ रहा हूँ, तो फिर मैं फिल्म्स में आने का मेरा मतलब क्या है? आई केम, यू नो, मैं फिल्म्स में आने के लिए इसलिए आया था बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट इन लाइफ रैदर देन यू नो रेगुलर थिंग्स. एंड डेफिनेटली सर, ये एक फिल्म नहीं है, उसके बाद आने वाली बहुत फिल्म्स आएंगी मेरी और फिर में उनके लिए भी है. सो मैंने सोचा कि क्या है कि DID में सारी माओं को और सारे सासों को और सारे बच्चों को खुश कर दिया है, दे हैव बीन माई फाइन. अब जो टाइप के जो फैन फॉलोइंग रहती है उनको भी जरा टारगेट करते हैं और उन्हें भी लाते हैं. जैसे वो जो थोड़े दो चार फोटोग्राफर्स थे जो देखकर ऐसे वाह वाह कर रहे थे, वो इनके लिए है. तो मैंने सोचा उनको भी थोड़ा अपने अंदर लाऊं.